जिला कुल्लू के वार्ड सदस्य संघ की बैठक ढालपुर में आयोजित की गई, जिस बैठक में वार्ड सदस्यों ने संघ की नींव भी रखी, जिसमें राजेंद्र कुमार को सर्वसहमति से अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर वो खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे और वार्ड संघ के सदस्यों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाकर उनका समाधान करने के प्रयास किए जाएंगे। कुल्लू में वार्ड सदस्य संघ की बैठक के दौरान संघ की नींव भी रखी गई, जिसमें राजेंद्र कुमार को अध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष पद के लिए सरिता देवी को चुना गया है, जबकि सचिव पद पर सुशीला को चुना गया। इस अवसर पर अन्य पदों पर भी नियुक्तियां की गई। वार्ड सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भी भेजा, जिसमें ग्राम पंचायतों में मोबाइल मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसका वार्ड सदस्य संघ ने कड़ा विरोध किया है। मुझे सर्वसम्मति से पंचायत वार्ड पंच संघ का अध्यक्ष चुना गया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ सभी सहयोगियों का। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं, हमने सब जो मिलकर जो जितनी भी हमारी क्षेत्र पंचायतें हैं, हमने सब जगह ये सूचना दी है। हमने जो जितने भी हमारे भाई बंधु यहाँ आए हैं, तो हमने सब ने मिलकर ये जो एजेंडा डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले, हमारे जो मोबाइल मॉनिटरिंग जो सिस्टम है, जो ऑनलाइन हाजिरी है, हमने इसका कड़ा विरोध किया है। जैसे इससे पहले भी नगर विकास खंड अपने बंजार विकास खंड और निर्मल ब्लॉक खंड जितने भी है, सब ने विरोध किया है। इनकी तर्ज पर हमने भी कुल्लू ब्लॉक में भी हमने भी पहल की है। हम भी जो है सरकार को डिप्टी कमिश्नर साहब उपायुक्त के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को आज ज्ञापन सौंपा है कि हमारी जो ये मांगे हैं, हम चाहते हैं ये जो ऑनलाइन हाजिरी है, इसके ऊपर वार्ड पंचों के ऊपर क्यों बोझ डाला जा रहा है? जब सरकार के कर्मचारी है तो इनको क्यों नहीं आप ये ऑनलाइन हाजिरी, इनको क्यों नहीं जिम्मेदारी देते हैं? वार्ड पंचों के ऊपर क्यों है? वार्ड पंचों को जो है, जबकि प्रधानों को 1000 रुपये भत्ता बढ़ाया जा रहा है, वार्ड पंचों को सिर्फ 50 रुपये। जब कोरम को जाएंगे, पंचायत को जाएंगे, हमको तभी मिलेगा अगर हमारी एबसेंट लगती है। हमारा कुछ नहीं है। हमने सरकार से इसके लिए भी हमने बोला कि हमारे को फिक्स भत्ता किया जाए, जैसे प्रधानों को। हम जो आज हम इकट्ठे हुए हैं सब, हम जो ऑनलाइन हाजिरी का कड़ा विरोध करते हैं। आने वाले समय में अगर सरकार नहीं मानती है तो हम जो है सब मिलकर, कुल्लू ब्लॉक के जितने भी समस्त मेरे सहयोगी है, सब मिलकर हम जो है मनरेगा का काम नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगों के ऊपर गौर नहीं किया जाता है। तो ज़्यादातर जैसे पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है, इसमें हमारी सबसे ज़्यादा महिलाएं ही प्रभावित हो रही है, क्योंकि हम महिलाओं को घर के साथ साथ पंचायत की भी जिम्मेवारी होती है। इसलिए हम चाहती है कि हम ऑनलाइन हाजिरी कब जाके लगा सकते हैं। एक वार्ड में कभी 2-3 काम होते हैं तो हम कैसे करेंगे उसको मैनेज, इसलिए हमने मांग रखी है। हम कई महिलाएँ तो हमारी बेचारी अनपढ़ है, उनको तो नेट चलाना भी नहीं आता, ना ही उनके पास मोबाइल है, फिर वो कैसे करेगी? हमारे ज़्यादातर पंचायतें पहाड़ी एरिया में हैं, जहाँ की सिग्नल प्रॉब्लम भी रहती है। इस नेटवर्क प्रॉब्लम से वो महिलाएं कैसे ऑनलाइन हाजिरी करेंगी, कैसे जियो टैगिंग करेंगी, उसके लिए भी हमने डीसी साहब से अपनी बात रखी है। और इसके लिए अगर हमें सरकार के खिलाफ भी उतरना पड़ा तो हम उसके लिए भी प्रदर्शन करेंगे, एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।